हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक ओवर ए के सिमरन। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इस पैलेट के ऊपर है। इस पैलेट से हम अपना ये पूरा जो मैंने अपना मेकअप क्रिएट करा है वो इसी पैलेट से करा है, और इस पैलेट से हम कैसे अपना मेकअप कर सकते हैं वो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस पैलेट में से अपना सारा फेस का जो मेकअप है वो मैं किसी पैलेट से आज करके दिखाऊंगी। फाउंडेशन का शेड मैं इससे बनाऊंगी, कंसीलर, करेक्टर, कॉन्टोर, ब्लशर, एवरीथिंग मैं इस पैलेट में से करके दिखाऊंगी। आपके सामने मैं शेड बनाकर दिखाऊंगी। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इस पैलेट से हम कैसे अपना सबसे पहले हमारा करेक्टिंग होता है। फेस करेक्टिंग हम कैसे करते हैं, पहले करेक्टर हम इस पैलेट से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अब आप इस पैलेट में से अपना कलर करेक्टिंग शेड कैसे बना सकते हो। अब मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं तो मैं अपना इसमें से थोड़ा सा रेड कलर पिक करूँगी, एंड थोड़ा सा मैं इसमें से येलो शेड पिक कर रही हूँ। अब रेड और येलो को जब हम मिक्स करते हैं तो ये हमारा ऑरेंज शेड बन जाता है। आप देख सकते हो ये मेरा कलर करेक्टिंग का शेड बन रहा है। सो सबसे पहले कलर करेक्टिंग मैं इस शेड से करूँगी। ये अंडर आई में मैं अपना ये शेड अप्लाई करूँगी। प्रोडक्ट आप उतना ही लेना जितना आपको नीड है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप और प्रोडक्ट ले सकते हो। सो मैं इसको फिर से थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी बिकॉज मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा कम था। देख सकते हो इसको मैंने फिर से दो शेड मिक्स करे और ये मेरा कलर करेक्टिंग का शेड बन चुका है। अब इसको मैं अपने लिप एरिया पे भी अप्लाई करूँगी। इसको मैं हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप भी हैंड से कर सकते हो, ब्रश से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपने हैंड से करना है या ब्रश से करना है। सो नेक्स्ट मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उससे मैं अपना जो कलर करेक्टिंग का शेड है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट अभी लगाया नहीं है तो यहाँ के लिए भी मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को मिक्स कर रही हूँ। सब मेरे यहाँ ब्लेंडिंग के बाद मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा रह गया है, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया प्रोडक्ट अपना, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। हमारा ये कलर करेक्टिंग अच्छे से हो जाता है इस प्रोडक्ट से भी। ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटरप्रूफ रहता है ये प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फाउंडेशन का। सो फाउंडेशन हम कैसे बना सकते हैं, आपको वाइट शेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा पिक करना है। नेक्स्ट आप इसमें येलो लोगे, जो येलो की क्वांटिटी आप जो ले रहे हो वो वाइट से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें रेड लोगे, रेड की क्वांटिटी येलो से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आप ब्लू कलर पिक करोगे उसकी क्वांटिटी आपकी रेड से कम होनी चाहिए। आपको इतने प्रोपोर्शन पे लेना है अपना जो प्रोडक्ट आप पिक कर रहे हो। आप देख सकते हो इधर कि मैंने ये प्रोडक्ट्स में ये चार कलर्स लिए हैं और इसको मैं मिक्स करूँगी। अब आप देख सकते हो ये मेरा प्रॉपर फाउंडेशन का शेड बन चुका है। अभी आप इसको मिक्स करोगे अच्छे से। आप देख सकते हो मेरा ये कलर मिक्स करने के बाद फाउंडेशन का शेड बन गया है, बट ये मुझे थोड़ा सा पिंक टोन पे जा रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा येलो एंड वाइट मिक्स करूँगी। थोड़ा सा येलो मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स कर रही हूँ। वाइट भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमारा ये एग्जैक्ट फाउंडेशन का शेड बन चुका है। अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी।
आप देख सकते हो ये हमारा फाउंडेशन का शेड एग्जैक्ट बन चुका है। सो मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर अपना ले रही हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट पिक करके डैपिंग मोशन पे अपने मैं फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसी प्रोडक्ट को मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपके सामने ही मैंने अपना शेड बनाया है फाउंडेशन का। सो आपके सामने ये प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो मेरे ये एरिया और इस एरिया में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। आपके सामने मैंने यही प्रोडक्ट अपना लगाया है, जो प्रोडक्ट मैंने क्रिएट करा था कलर से फाउंडेशन का शेड, वही शेड मैंने अपने फेस पे अप्लाई करा है। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कंसीलिंग का आता है। सो कंसीलिंग के लिए हम लोग अपने फाउंडेशन से 102 शेड लाइटर लेते हैं। सो अब उसको कैसे हमने बनाना है, कंसीलर का शेड भी मैं अपना इसी पैलेट से बनाऊंगी। मैं अपना वाइट कलर पिक करूंगी, व्हाइट में आप थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। नेक्स्ट येलो कलर पिक करना है। नेक्स्ट आपको वैसे ही रेड कलर पिक करना है, रेड आपको कम लेना है, एक टिंट लेना है रेड का, और ब्लू का भी आपको एक नॉर्मल टिंट लेना है, टिंटेड कलर्स लेने हैं ये आपको। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा लाइटर कलर बन गया, फाउंडेशन से भी ये मेरा लाइटर शेड बन गया है। ये भी मैंने इसी पैलेट से बनाया है। अब इस कलर से मैं अपना कंसीलिंग करूँगी। कंसीलिंग हम करते हैं अंडर आई एरिया में। आप देख रहे हो मेरे दो फाउंडेशन और कंसीलिंग शेड में बहुत डिफरेंस है। ये हमारा शेड जो है थोड़ा आइवरी शेड बना है। आप एक नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो अपने, अगर आप फिंगर से कर रहे हो तो आप नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आपका ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ये प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको या तो इसको जल्दी जल्दी से ब्लेंड करना पड़ता है, या आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आप इसमें ड्योरालाइन मिक्स कर सकते हो। आप इनग्लॉट का ड्योरालाइन यूज़ कर सकते हो, PAC कॉस्मेटिक का यूज़ कर सकते हो। सो उससे आपका जो मेकअप है, ये जो आपका प्रोडक्ट होगा, ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। सो आपको ब्लेंड करने में ये बहुत इजी रहेगा। और सो फ्रेंड्स, अब मेरी कंसीलिंग भी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है कॉन्टोरिंग का आता है। कॉन्टोरिंग भी मैं इसी पैलेट में से कर रही हूँ। इस पैलेट में हमारा ये ब्राउन शेड दिया होता है, आप इससे भी कॉन्टोर कर सकते हो। मैं इसी शेड से कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मुझे लिफ्टिंग देनी है अपने फेस को, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्टोर हैवी कॉन्टोर नहीं करूँगी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप ब्लेंड करोगे अब कॉन्टोर को। सो कॉन्टोरिंग अब अच्छे से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ब्लशर अप्लाई करना होता है। ब्लशर के लिए हम थोड़ा सा रेड शेड पिक करेंगे। नेक्स्ट हम वाइट शेड पिक करेंगे। रेड प्लस वाइट हमारा ये ब्लशर का पिंक टोन पे नेचुरल शेड बन जाएगा।
आप देख सकते हो ये हमारा पिंक टोन पे शेड बन गया है ब्लशर के लिए, ये हमारा नेचुरल शेड बन गया है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी। अब इसको आपने ब्लेंड कर देना है। जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो एक बहुत नेचुरल सा इफ़ेक्ट दे देगा। जब आप इसको लगाते हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट जब इसको ब्लेंड करते हो तो ये बहुत प्रिटी सा लगता है, बहुत नेचुरल सा शेड दे देता है। तो थोड़ा सा मैं पिक कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं चिन पे भी अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कॉन्टोरिंग, ब्लशर, हाईलाइटिंग, कंसीलिंग सारा कुछ आप इस पैलेट में से कर सकते हो। सारा जो मेकअप है बेस का वो हो चुका है। अब मैं इसको लॉक कर दूंगी। अपना एक आप कोई भी ट्रांसोलेंट पाउडर ले सकते हो, बेकिंग पाउडर, लॉकिंग पाउडर, जो आप लोग बोलते हो उसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैं इसको पूरा लॉक कर रही हूँ अच्छे से अपने बेस को। नेक्स्ट मुझे काजल फिल करना है तो मैं एक नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ। सो मैं एक नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ और मैं उसको बैक साइड से अपनी आई पे अप्लाई कर रही हूँ काजल। वो भी मैंने इसी पैलेट में से लिया है। आप देख सकते हो इसका शेड कितना प्रीटी आता है। सब काजल का शेड भी देख सकते हो। हमारा ये पिंक कलर में ब्लशर का शेड था वही मैं एक पेंसिल ब्रश में पिक कर रही हूँ प्रोडक्ट, और उसको मैं अपनी अंडर आई एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा आईब्रो फिलिंग का है। अब आईब्रो फिलिंग का प्रोडक्ट आप इसमें से जैसे ब्रश पे पिक करते हो, थोड़ा सा ब्लैक लो, थोड़ा सा ब्राउन लो, हैंड पे प्रोडक्ट को मिक्स कर दो। ब्लैक एंड ब्राउन से आप अपना आईब्रो का भी शेड बना सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना नेचुरल सा शेड बना है। थोड़ा सा ब्लैक लो, थोड़ा सा ब्राउन, हैंड पे इस प्रोडक्ट को मिक्स कर दो। चाहे आप पैलेट्स पे भी मिक्स कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मेरा बेस पूरा रेडी हो चुका है। मेरा आई मेकअप हो गया था, सारा कुछ जो बेस मेरा वो रेडी हो गया है। मुझे अगर अपना लिप शेड अप्लाई करना है तो मैं ये पर्पल शेड पिक करूँगी। पर्पल शेड आप मैं हैंड पे इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हो पर्पल शेड मैंने लिया है और मैंने ये वाला येलो शेड पिक करा है। इन दोनों शेड्स को मैं मिक्स कर दूँगी तो हमारा एक ट्रेंडिंग सा न्यूड शेड बन जाता है। इसको अब मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पर। सो आप देख सकते हो मेरा पूरा मेकअप हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अपनी हर एक पैलेट पर तो आप इस तरह की ही एक पैलेट ले सकते हो। इससे आपका जो सारे फाउंडेशन शेड्स हैं वो भी क्रिएट हो जाएंगे। आपको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा शेड आप कैसे बना सकते हो। अब मेरा बस हाईलाइटिंग रह चुकी है, हाईलाइटर जो है वो मैंने लगाना है। बाकी मेरा ओवरऑल पूरा मेकअप इस पैलेट में से हो चुका है, आपके सामने ही मैंने मेकअप करा है। अब मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है, मेरी लुक पूरी क्रिएट हो चुकी है। सो आपको भी अगर कोई डाउट आता है अपने मेकअप को लेके, आपको इस पैलेट में से कैसे कैसे मेकअप करना है, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।